नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्र, सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। सहारनपुर कोर्ट ने उपद्रव के 8 आरोपियों को किया बरी। 10 जून को हुआ था बवाल, 22 दिन के बाद घर लौटेंगे। सहारनपुर में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव हुआ था। इसके आरोप में गिरफ्तार 8 युवकों को शनिवार को कोर्ट ने बरी कर दिया। पुलिस की जाँच में सभी निर्दोष मिले हैं। बता दें कि पुलिस ने यही रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। पुलिस ने 180 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनमें मोहम्मद अली, मेहरात आसिफ, कैफ अंसारी, सुभान उस्मान, अब्दुल समद और साजिद भी शामिल थे। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एडवोकेट वेलफेयर के अधिवक्ताओं ने 1 रुपये में केस लड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद इन 8 युवकों को निर्दोष बताते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी। एसोसिएशन के मोहम्मद अली, बाबर वसीम सहित 5 अधिवक्ताओं ने कोर्ट से दोबारा जांच कराने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 8 युवकों को दोबारा जांच की। इसमें से वे सभी दोषी पाए गए। पुलिस ने CJM कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपी। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। चंद्रशेखर आजाद को रिहा करने की मांग की। आपको बता दें कि CHA के तकरीबन 28,000 कर्मचारी, जिन्हें कोरोना काल महामारी के दौरान कार्य कराने के बावजूद नियमित करने का वादा कर अब उन्हें कांग्रेस की गहलोत सरकार हटाने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर चंद्रशेखर उन छात्रों के धरने में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको रात्रि होटल में गहलोत सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से भीम आर्मी में भारी रोष है और आज सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए राजस्थान की सरकार को कल तक चंद्रशेखर को रिहा करने की चेतावनी देते हुए क्या कहा सुनिए। आज प्रदर्शन इसलिए किया है कि हमारा जो मुखिया है भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर जी को परसों रात से राजस्थान सरकार ने गिरफ्तार किया था और 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी बता करके उन्हें जेल भेजने का काम किया। ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। इधर तो कांग्रेस दावा करती है कि क्या नाम जो है हम लोग भाजपा के विरोधी हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि एक नागनाथ है तो दूसरा सापनाथ है, दोनों एक काम कर रही है। आज इस देश में अगर पूरे इस देश में आज विपक्ष खत्म हो चुका है। विपक्ष की भूमिका भी हमारे भारत एकता मिशन के संस्थापक और प्रत्येक कार्यकर्ता निभा रहा है। यहाँ वो लोग चुप हो गए हैं जिन लोगों ने आज तक इस समाज की वोटों को लेकर के इस देश में राज करने का काम किया, लेकिन आज जब बहुत संपूर्ण बहुजन समाज पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ अगर कोई बोल रहा है तो है भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी प्रदेश से हो, किसी भी जिले से हो। मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में अभी पवित्र संविधान जिंदा है तो सरकार होश में आए, वरना अगर उन्हें जल्दी रिहा ना किया गया तो हम इस देश को बंद करने का काम करेंगे। इसकी शुरुआत सहारनपुर से होगी। आज अम्बाला रोड स्थित सपा जिला कार्यालय पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामशरण दास गुर्जर की जयंती पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक संजय गर्ग ने कहा कि चौधरी रामशरण दास गुर्जर हम सब के प्रेरणा स्रोत रहे, जो पार्टी के मजबूत स्तंभ थे, जिन्होंने सदैव पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। पूर्व विधायक संजय गर्ग ने सभी कार्यकर्ताओं को उनके सिद्धांतों पर चलने की अपील करते हुए क्या कहा सुनिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और आजीवन प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय चौधरी रामशरण दास जी की आज जयंती थी। इस पर समस्त पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर उन्हें भावांजलि पुष्पांजलि दी और उनके जो संघर्षपूर्ण जीवन था, उनकी जो बेबाकिया थे, उन्होंने जो जिस तरह से समाज सेवा, राजनीति को सेवा का जरिया बनाया और वही सबक उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी को भी देने का काम किया, ऐसा वो बेलौस समाजवादी नेता, निश्चित रूप से उनके जन्मदिन पर आज हम सब उन्हें नमन करते हुए हम सब ने मिलकर उन्हें भावांजलि अर्पित करने का काम किया है। इससे हम सब संकल्प लें कि जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने अपना राजनीति को और समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, उसी तरह से हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सहारनपुर पुलिस के हाथ लगा वांछित अभियुक्त। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना सदर बाजार पुलिस की टीम ने काशीराम कॉलोनी बस स्टैंड के पास से वांछित अभियुक्त शाहिद को गिरफ्तार किया। बता दें कि पकड़े गए वांछित अभियुक्त का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। युवक को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में नोडल अधिकारी संयुक्ता समाधार ने किया पौधारोपण की समीक्षा बैठक। जनपद सहारनपुर में वृद्ध वृक्षारोपण के लिए आज नामित नोडल अधिकारी संयुक्ता समृद्धा ने
आज कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर कदम का पौधा लगाकर पौधारोपण किया। वहीं इसी दौरान कार्यक्रम के तहत आज पुलिस लाइन में SPCT राजेश कुमार शर्मा ने व अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर SPCT राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि वृक्ष से केवल लकड़ी ही नहीं स्वस्थ रहने के लिए फल भी मिलता है, इसीलिए अपने आसपास कम से कम या एक या दो अधिक फलदार वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वृद्ध पौधारोपण से ही पर्यावरण में आ रही गिरावट को रोका जा सकता है। इस अवसर पर अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया। सहारनपुर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व MLC वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा एक समान विचारधारा की पार्टी है जो सर समाज को सम्मान देने का काम करती है, जिसके बल पर आज प्रदेश में पूर्ण बहुमत की पुनः सरकार बनी है। प्रदेश के पूर्व मंत्री वीरेंद्र चौधरी ने आज हकीकत नगर गन्ना भवन के समीप नवाब गुज्जर के आवास पर आयोजित आम पार्टी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। तब इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को सर्वोपरि मानते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सर समाज के लिए हितकारी साबित हो रही है। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं हमारे WhatsApp नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।